हाय एवरीवन, तो आज है 16 अक्टूबर वेनेसडे। सुनो, पहले की अपन बात करते हैं, बिकॉज कुछ दिनों से ना मैं वीडियोस भी बना रही, लाइक बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। लास्ट फ्राइडे यानी 11 अक्टूबर को, बिकॉज उन सब इश्यूज मैं ना हाफ डे ही लिया था वर्किंग का, एंड उसके बाद से लेकर अभी आज तक मैं सिर्फ छुट्टी पे ही हूँ, यानी मैं बिल्कुल वर्किंग पे नहीं हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड अभी मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है। वेल, मैंने अक्टूबर का सोचा था कि अक्टूबर में मैं अपना दो जो बीकॉम थर्ड ईयर के जो दो सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट कर दूंगी, बट मैंने नहीं करे। इवन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी अच्छी खासी, बट ऐसा तो नहीं चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अभी मैंने ऐसे अपने आप को वादा किया है कि हर रोज़ अब वीडियो बनेगी एंड हर रोज़ अपन पढ़ाई भी करेंगे। प्लस अब मैं कब वर्किंग पे जाऊँगी मुझे खुद को नहीं पता। एंड 29 या 28 अक्टूबर विल बी माई लास्ट डे वर्किंग, बिकॉज एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। अब मुझे खुद को विश्वास हो रहा है, बिकॉज मुझे कुछ कुछ बातें पता पड़ी है एंड कुछ कुछ किसी किसी ने अपने एक्सपीरियंस बताया है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे नहीं मिलने वाला एक्सटेंशन। वह मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बट ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अपन कुछ और देख लेंगे। वन मोर थिंग, मैंने अभी टेबल पेंट कर दी। सो ये जो टेबल है ना, ये करीब करीब मतलब 15 साल से तो मैं भी देख रही हूँ इस टेबल को, एंड ये इतनी गंदी लगी पड़ी थी। एंड इसकी ये वाला जो फ्रंट था, यानी कि जो वीडियो में दिख जाता था, तो वहाँ पे भी पहले मैंने कुछ और पेंट करा हुआ था, फिर मैंने उसे ब्लैक पेंट करके कुछ लिख दिया था, तो वो भी अलग लग रहा था थोड़ा। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको हम पूरा ही पेंट करेंगे। एंड मैंने बहुत ज़िद करी एंड फिर वाइट पेंट मंगवाया, एंड इसको मैंने सैटरडे को बैठ के पूरा पेंट करा। पहले एक कोट किया, फिर सेकेंड कोट किया, तो करीब करीब 3 से 4 घंटे लग गए कलर करने में, एंड उसके बाद सूखने में भी करीब करीब एक पूरा दिन लग गया था। बट जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक वाइट कलर बहुत प्यारा लग रहा है, थोड़ा लाइक अच्छा लुक दे रहा है ये टेबल, एंड देखने लायक भी हो गया है। तो अब इसमें कोई न्यूज़पेपर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं कुछ और, ये वैसे ही बहुत सुंदर लग रही है टेबल। एंड उसके बाद बस मैंने अपना सेटअप कर दिया, एंड कुछ बुक्स नहीं रखी है इसे। अब मुझे जो बुक्स की ज़रूरत होगी बस वही मैं उसको यहाँ रखूँगी पढ़ाई करने के लिए, एंड जैसे ही पढ़ाई हो जाएगी बुक्स कहीं और रख दूँगी। लाइक मैंने एक दूसरी जगह बना दी जहाँ मैं अपनी बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स वगैरह सब रखती हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया था मेरे बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट से ही, तो बस मैंने वही किया था। एंड करीब करीब जो मेरा इसमें रह गया था ना पहले चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक, बस वो कंप्लीट किया। एंड 10 बजे करीब मैं सो गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगी, बट मैं सुबह उठी 5 बजे। सो 5 AM पे मैं उठी, एंड ये होने वाला हमारा मॉर्निंग स्टडी व्लॉग विद यू ही। तो मॉर्निंग में भी पहले मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स से। लाइक मैंने मैथ्स बहुत अच्छा किया था सुबह, मैंने बेसिक्स पढ़ा, मैंने रिविजन किया, मैंने मॉक्स लगाए, मैंने यूट्यूब पे आदित्य सर की वीडियोस देखी, फिर मैंने फिर से मॉक लगाया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया। तो ये सब मैंने किया, एंड इसमें करीब करीब 3 से 4 घंटे लग गए थे। लगा था मैंने पढ़ाई नहीं करी, पहले 1 घंटा करी, फिर बाकी 1 घंटा, फिर 2 घंटे, ऐसे करके हमने पूरी लगातार पढ़ाई करी। सो मॉर्निंग में ये किया, एंड उसके बाद हमने फिर से बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स करे, बस ये दोनों ही किया था। उसके बाद करीब करीब 12 बजे तक मैंने पढ़ाई करी होगी, एंड उसके बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने, एंड उसके बाद आ गए थे मेहमान। तो बस इतना ही किया था, उसके अलावा भी बस थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा, रिवीजन किया, मैप्स पढ़े, बस इतना ही किया था। तो उसमें करीब करीब आप समझ लो 7 से 8 घंटे अपने पढ़ाई कर ली थी, बस इतनी करी, जिसमें सीरियस पढ़ाई यानी बिल्कुल ऐसे फोकस करके पढ़ाई मॉर्निंग में ही हुई थी मैथ्स की, एंड जो मेरे दो बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स थे बस वो किए थे।